दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे आरबीएनएल, तो रेल विकास निगम की। अगर आप चार्ट गौर से देखेंगे, ये डेली चार्ट पैटर्न है। तो ये जो ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो इसी पर एक, दो, तीन और चार, और आज के दिन भी पांच बार, यानी पांच बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की जरूर कोशिश कर रही है। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर आपको नज़र बना कर रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों साइड से। वैसे ही कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक भी काफ़ी दिनों से स्ट्रांग होता ही जा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा रैली दिखा चुका है, और जिस तरह का कंपनी है अभी भी, मतलब इतना ज़्यादा भाग चुका है, फिर भी कंपनी का जो पी है अभी भी सस्ते दामों पर अवेलेबल देखने को मिल जा रहे हैं। तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस बना कर रखना चाहिए भविष्य के लिए। अगर आपको रेलवे इंफ्रा के ऊपर भरोसा है कि भविष्य में बहुत ही अच्छा खासा ग्रो होने वाला है, तो ज़रूर इन जैसे कंपनियों पर स्टडी तो करना ही चाहिए। ठीक है, अभी जैसे एकदम अपने सपोर्ट लेवल पर जाके खड़ा है, तो उड़ान भरने के लिए तो तैयार है, फिर भी मार्केट तो अभी बहुत ही ज़्यादा नर्वस चल रही है, तो थोड़ा बहुत आपको वेट करना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो अच्छा खासा रैली भी देखने को मिल जाएगा, और 142 लेवल अगर क्रॉस कर दे तो और भी ज़्यादा रैली देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत ही दिनों से काफ़ी अच्छा खासा रैली देखने को मिल जा रहा है, वैसे ही कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रांग है। और आज के दिन आप देख सकते हैं, ये जो मैंने दोनों लाइन ड्रॉ किया, इस बार एक ही बार टच करके ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर ऊपर से दबाव देखने को मिला था। ये देखिए, ये दो बार आया और ये जोन पर एंट्री नहीं किया था। सेकेंड टाइम जब ऊपर गया, जब नीचे आया, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया, तब ये जोन को सपोर्ट के रूप में काम में ले चुका है, और अभी के टाइम जैसे ऊपर की तरफ मूव करने लग रहा है। ये एक ही दिन का डेटा है, अगर मैं एक घंटे की डेटा के ओपन कर दूँ तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हरे निशान में बाइंग होता हुआ नज़र आ रहा है इस कंपनी पर। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जा रहा है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो सपोर्ट लेवल 526 रुपये, तो सपोर्ट लेवल तक आने के बाद फिर एक बार रिवर्सल हो सकता है। ये जो जोन मैंने क्रिएट किया, इस जोन को अगर कंपनी ब्रेकआउट दे दे तो अच्छी खासी रैली भी इस कंपनी पर भी देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर भी आपको नज़र बना कर रखना चाहिए। इस कंपनी का अगर आप फंडामेंटल के ऊपर नज़र डालेंगे तो देखने को मिल जाएगा सबसे पहले 52,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें अभी 44 है, आरओसी की बात करें 15%, आरओई भी 16%। इसमें जो रिजर्व है 6,500 करोड़ का रिजर्व, और 1,500 करोड़ के आसपास कैश भी देखने को आपको मिल जाएगा। कंपनी के पास सबसे बढ़िया बात डेट, तो डेट देख सकते हैं आपको नाव के बराबर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ प्रोमोटर होल्डिंग है 23%, लेकिन प्लेजिंग उनमें से 0, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। और एक खास बात, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो लगातार FII इस कंपनी पर बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है। एक ही साल का डेटा ये देखिए, 14.60% के आसपास, उसके बाद 52% तक पहुंच चुका है, उसके बाद सीधा 60% के आसपास होल्डिंग हो चुका है FII की ओर से, और DII अभी के टाइम एक सालों से लगभग 19% से 11% तक पहुंचा चुका है। तो इससे पहले 2021 के टाइम देख सकते 6% का स्टेक था पब्लिक के पास, इसके बाद सीधा 17% का स्टेक बन गया था, 17% से सीधा 4% का होल्डिंग, और अभी के टाइम भी थोड़ा सा कम होकर लगभग 4.5 से भी नीचे लाकर खड़ा कर दिया। तो अल्टीमेट आपको देखने को मिल जाएगा इधर FII लगातार बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा साइन इस पर भी देखने को मिल जाएगा। और DII की बात करें तो अभी के टाइम स्लाइड कम किया है अपने स्टेक को। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 3 डिजिट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं मार्केट में आया हुआ है, इसीलिए CAGR अवेलेबल नहीं है, वैसे ही एक साल का 40% के हिसाब से CAGR प्रोवाइड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाएगा, और सेल्स ग्रोथ भी जैसा हो रहा है ना उसके हिसाब से प्रॉफिट भी देख सकते हैं, एकदम 3 डिजिट पर चल रही है अभी के टाइम। और इस कंपनी का अगर पोजीशन की बात करें तो ये देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर से नंबर 1 पोजीशन पर अपोलो हॉस्पिटल, और दूसरे नंबर पर ही मैक्स हेल्थ केयर के नाम आ जाता है। तो बहुत ही बड़ी लेवल का कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इस कंपनी को डीपली स्टडी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी सही है देखने को मिल जाएगा आपको, 27% से भी ऊपर। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, एक साल में लगभग 1200 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट भी बना चुका है। तो अच्छी कंपनी है, अगर आप चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।